हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैंसिल आधार कार्ड अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपॉइंटमेंट कैसे कैंसिल करेंगे, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू बताऊँगा। जीमेल के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको जीमेल ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ओपन करने के बाद कंपोज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कॉलम वाइज लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम आएगा नेम का, वहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके नंबर का कॉलम लिखना है। मैं आपको यहाँ पे डेमो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने डेमो लिखा है, लेकिन आपको अपना ही नाम लिखना है और अपना ही नंबर लिखना है। और उसके बाद हम लोग स्पेस देके लिखेंगे रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लीज़ कैंसिल माय आधार कार्ड अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स। और फिर आपको ऊपर सब्जेक्ट के कॉलम में उसी से रिलेटेड लिखना है आधार कार्ड अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। ये सब कुछ लिखने के बाद सबसे लास्ट में जो यहाँ पे टू का जो कॉलम है ब्लैंक कॉलम, उसमें आपको आधार कार्ड की ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे सब कुछ लिख लेंगे और चेक कर लेंगे, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एरो के आइकॉन पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। ईमेल सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई भी आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन, जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन भी बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली आप कस्टमर केयर से बात करके आधार कार्ड अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। बस प्रोसीजर पूछ लेना है, जो प्रोसीजर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना आधार कार्ड अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।